जैसे आप सामने देख पा रहे, बहुत ही अच्छे से अम्ब्रेला लगे हुए हैं। पीछे जो है बहुत ही अच्छे से आपको जो है कोकोनट ट्री दिख रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ दिखाऊं तो बहुत ही प्यारा सी शोर है और उतना ही ब्यूटीफुल जो है इसका सी है। तो ये है गोवा का बहुत ही खूबसूरत एक बीच जिसका नाम है मैंड्रिम बीच। आज मंथ ऑफ जनवरी 2024 को मैं आया हूँ मैंड्रिम बीच पर आपको दिखाने की इस समय जो है जनवरी में मैंड्रिम बीच कैसा है और अगर आप आते हैं तो आपको क्या क्या यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल मिलती है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग बाय रितेश। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है मैंड्रिम बीच की पार्किंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो है वो टू व्हीलर खड़े हैं और वहाँ पे जो है ये यहाँ फोर व्हीलर पार्क होता है। टू व्हीलर की जो पार्किंग है वो है 20 रुपीज़ और फोर व्हीलर की पार्किंग एक बार मैं आया तो 50 लिए थे, एक बार आया तो 100 लिए थे। तो 50 से 100 के अराउंड आप मान सकते हैं। और ये है रिवर, ये है मैंड्रिम रिवर, इसी के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है मैंड्रिम। और ये आगे जाके सी में मिल जाती है। और ये है यहाँ पे दो जो है वो परमानेंट रेस्टोरेंट हम कह सकते हैं, एक है जूना और एक है फूड प्लैनेट। तो मैं जब भी आता हूँ मैं जूना पे ही जाता हूँ। यहाँ का स्टाफ अच्छा है, खाना तो बहुत ही अच्छा है और ये आप बारिश में भी आएंगे तो ये ओपन रहेंगे, दोनों हमेशा ओपन रहते हैं। बहुत अच्छा खाना है यहाँ का, आप अगर आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आप ट्राई करें और काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम जो है वो भीड़ मुझे नज़र आ रही है, जबकि लॉन्ग वीकेंड है तो मुझे लगा काफ़ी भीड़ होनी चाहिए, बट उतनी भीड़ नहीं है जितनी यूजुअली यहाँ पर होती है। ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे बीच बैट बीच जो है वो नहीं लगे हुए है। रीज़न मुझे नहीं पता, क्योंकि जो बगल में फूड प्लैनेट है उसमें तो जो है वो काफ़ी लोग है और वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी करा हुआ है, इन्होंने क्यों नहीं करा है इसका रीज़न मुझे पता नहीं है, मैं पूछता हूँ कि क्या है। तो ये जूना जो है और इसके इधर भी जो है अगर मैं आपको उधर दिखाऊँ तो फ्रीडम, और वो नोटिस आया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी लाइसेंस का इशू होगा इस वजह से इसको बंद करा हुआ है। और अगर मैं आपको इधर दिखाऊं फूड प्लैनेट तो ये भी जो है ऊपर कह रहे हैं कि ये भी शायद बंद हो सकता है, इसलिए इन्होंने नीचे ओपन किया है। तो वो 18 तारीख को है कि उसका पता चलेगा कि क्या इशू है क्या नहीं है। तो ये क्योंकि काफ़ी अच्छा था जूना, तो मैं काफ़ी बार आया हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ का खाना और सर्विस लगती थी, तो ये अभी फ़िलहाल बंद है। उधर मैं दिखाऊं तो वो सारे जो है बंद है। और उधर आप देखेंगे तो वो है आरंबोल, जो पहाड़ी आपको दिख रही है वो आरंबोल की पहाड़ी है। तो ठीक है, अब बंद है तो चालू भी हो जाएगा। हम बात करते हैं अब सीधे यहाँ पे बीच की कि कैसा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि अगेन काफ़ी बड़ा सी शोर है, ये देखिए अब यहाँ से चालू हो रहा है यहाँ से और ये एकदम यहाँ पे है आपका सी, और वो भी काफ़ी पीछे है। वेव बहुत अच्छी आती है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे भी, आप इजीली स्विम कर सकते हैं, इजीली जो है बीच पे एंजॉय कर सकते हैं, सी में जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे फूड प्लैनेट के ये लगी हुई है अम्ब्रेला और चेयर्स, उसके पीछे सनबेड लगे हुए हैं। आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत आगे तक जो है और भी सारे शैक्स है मैंड्रिम पे। ये क्योंकि इजीली यहाँ पे पार्किंग थोड़ा अच्छी है, बाकी जो है आपको रोड साइड पार्क करना पड़ता है ऊपर और फिर नीचे उतरना पड़ता है, इस वजह से जो है मैं वहाँ पे नहीं आता हूँ। अदरवाइज वहाँ पे भी आप जाएंगे तो काफ़ी सारे शैक्स है, आप देख सकते हैं कितने सारे अम्ब्रेला लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी अच्छी वेव आ रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। हालांकि अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं, बट गर्मी उतनी नहीं है
इस टाइम के हिसाब से। यूजुअली दिन में 2-2.5 बजे जो है वो थोड़ी गर्मी रहती है, बट अभी फिलहाल उतनी गर्मी नहीं लग रही है। ये आप देखेंगे तो काफ़ी सारे फॉरेनर्स जो है वो आ रहे हैं स्विमिंग करते हुए, और यहाँ पे भी जो है आप देखेंगे तो ये फॉरेनर्स जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो है धूप लेना बहुत अच्छा लगता है, तो ये लोग जो है वो यहाँ पे धूप लेने ही आते हैं मोस्टली। तो ये है मैंड्रीन बीच मंथ ऑफ जनवरी में, और आज है सैटरडे 13 तारीख। ये देखिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अम्ब्रेला लगे हुए है, और आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक होटल भी है, मैं उसका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, रीवा है आई थिंक, वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं, और वो एकदम जो है वो बीच पर है, वहीं से आप जो है बीच एक्सेस ले सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मॉनसून पे आ रहे हैं तो आप वहाँ पे भी जो है स्टे कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप मैंड्रीन में रुकना चाहते हैं तो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे भी जो है वो वाटर स्पोर्ट्स नहीं होता है, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको वाटर स्पोर्ट्स नहीं मिलेगा, वाटर स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है, जो भी होता है वो आपको वाघा तौर तक ही होता है, वाघा तौर की इस तरफ जो है कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं होता है। ये आइसक्रीम बेच रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस बीच को भी आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आप वॉक करना चाहते हैं, जैसे शाम के समय या मॉर्निंग के टाइम पे, तो यहाँ पे जो है वॉक करना बहुत इजी है। देखिए आप कि सैंड जो है बहुत सख्त है यहाँ पे, क्योंकि पानी पूरा अंदर तक आता है, और रेत भी जो है वो काफ़ी मुलायम है, बहुत ही बारीक है, तो यहाँ पे आप वॉक बहुत इजीली कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पानी में जाना चाहते तो हल्का हल्का सा, ये देखिए पानी भी इस तरह से आता रहता है, आपके पैर गीले होते रहेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे अगर मॉर्निंग और इवनिंग में अगर वॉक करें तो। काफ़ी लोग जो है रात में या शाम में जब सनसेट होता है तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है जॉगिंग करते हैं, मोस्टली उसमें से लोकल और फॉरेन टूरिस्ट ही होते हैं जो ये करते हैं, बट अगर आप भी जो है वॉक लेना चाहें तो बहुत ही अच्छे से वॉक यहाँ पे भी की जा सकती है। वहाँ पे है, वहाँ तक है मैंड्रीन बीच, और उसके आगे आप जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे एस्पिन बीच की तरफ। ये आप देख रहे हैं ये पूरा जो है मैंड्रीन बीच, बहुत ही खूबसूरत एक और बीच है ये। ये देखिए ये दिन में वॉक कर रहे हैं, यहाँ वॉक बहुत अच्छे से करते हैं ये दो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं वॉक करते हुए। वॉक करने में यहाँ बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि रेत उस तरह से है कि आप इजीली जो है वो वॉक कर सकते हैं। तो ये है करंट सिचुएशन अभी मैंड्रीन बीच जनवरी 2024 में। टूरिस्ट थोड़े से कम है, फॉरेन टूरिस्ट तो काफ़ी है, जो इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट है अपने वो थोड़े से कम है, आई डोंट नो क्यों, कैलंगुट बागा अंजुना पे तो काफ़ी है, बट इस तरफ मैंड्रीन में उतने नहीं है। मुझे लगा था आज, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, आज सैटरडे है, संडे है, 15 तारीख को मकर संक्रांति है, तो मुझे लगा काफ़ी सारे लोग जो है उस दिन आएंगे, क्योंकि 3 दिन का जो है वो एक तरह का लॉन्ग वीकेंड है, बट उतने डोमेस्टिक टूरिस्ट मुझे यहाँ पे फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मॉर्जिन पे थोड़े थे, एचविन पे और कम हुआ है, मैंड्रीन में भी काफ़ी कम है, अब आरंबोल का मुझे पता नहीं, वो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो ये है सिचुएशन अभी मैंड्रीन बीच। तो रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये मैंड्रीन बीच की अपडेट पसंद आई होगी, पसंद आई तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा,
और अभी तक आपने जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।